तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से डरे हुए हजारों अफगान नागरिक पाकिस्तान में दाखिल हुए कईयों ने बॉर्डर गैर कानूनी तरीके से पार किया क्योंकि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से सटी अपनी सीमा पर कड़ी नजर रखी हुई थी अफगानिस्तान से आए लोगों के पास पैसे कमाने का को कोई जरिया नहीं है और वो डर के साए में जीने को मजबूर है कि कहीं पाकिस्तानी अधिकारी या तालिबान के लोग उन्हें पकड़ ना लें तालिबान के आने से पहले ये महिलाएं अच्छा काम कर रही थी पर अब इनके पास पैसे नहीं है ये डरी हुई हैं और तनाव से गुजर रही हैं अभी पाकिस्तान में छिपकर जिंदगी गुजार रही हैं जहां ये तस्करों की मदद से खतरनाक सफ़र तय करके पहुंची हैं जुबैदा जो इनका असली नाम नहीं है अपने तीन बच्चों के साथ यहाँ आई है अगर अगर वो चाहे तो यहाँ भी मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं उनके लोग हर कहीं मौजूद हैं। मैं यहाँ स्थानीय पुलिस से भी डरी हुई हूँ क्योंकि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलती जुबेदा का डर जायज है पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में अफगान तालिबान का काफी बोलबाला है जहाँ हम इन महिलाओं से मिले वहाँ से कुछ ही दूर इस कब्रिस्तान में तालिबान के झंडे लहरा रहे हैं यहीं पर तालिबान के लड़ाकों की कब्र है और उनकी भी जो हाल की हिंसा में मारे गए है आधिकारिक तौर पर शरणार्थी का दर्जा न मिल पाने के कारण हजारों अफगान नागरिक उस सुरक्षा से वंचित रह जाएंगे, जो उन्हें बतौर शरणार्थी मिलती है कुछ का मानना है कि मानवीय मदद करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का इस मामले में कम हस्तक्षेप करना भी इन लोगों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठा रहा है सो so कुछ हफ्तों पहले करीब 50 परिवारों को वापस भेज दिया गया बीबीसी को पता लगा है कि कम से कम आठ प्रवासियों को जिनमें सात अफगान नेशनल आर्मी सोल्जर्स रह चुके हैं और एक पत्रकार को पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां एक अज्ञात जगह ले गई। बलूचिस्तान के गृह मंत्री ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार करते हुए कहा है कि सरकार अपना काम कर रही है हमारे भी कुछ कानून Also हमारे यहाँ भी कानून है हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कौन कहाँ से आ रहा है वो यहाँ क्यों आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं ये एक देश की जिम्मेदारी है हम गैर पंजीकृत शरणार्थियों के खिलाफ एक्शन लेंगे द अनरजिस्टर्ड पर जब कानून के दरवाजे ही बंद हो जाएं तो लोगों के पास और क्या विकल्प रह जाएंगे? हमने यही सवाल संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी विभाग से पूछा यू एच सी आर ने वैश्विक स्तर पर नो रिटर्न की एडवाइजरी जारी की है हमने कहा है कि अफगान चाहे किसी भी देश पहुंचे न सिर्फ पड़ोसी मुल्क बल्कि कहीं भी उन्हें जबरन वापस अफगानिस्तान नहीं भेजा जाएगा अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर कोई भी नहीं है इंटरनेशनल लॉज संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि शरणार्थियों की संख्या अभी भी काफी कम है पर विश्लेषकों का मानना है कि इससे भी बड़ी संख्या ने शायद अभी अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं की है